Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. पश्चिमी दिल्ली लोकसभा, जिसको मैं परवेश वर्मा रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारे लोकसभा में नए स्कूलों की ज़रूरत थी। 2014 में ही हमारी HRD मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी हमारे द्वारका के क्षेत्र में आई थी और वहाँ पर हमने उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, इन तीन जगह पर हमने 6 नए स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू किया, जो आज वहाँ पर बन चुके हैं और आज उनमें स्कूल चल रहे हैं। उसी के साथ हमने हमारे मादीपुर में एक नया स्टेडियम बनाया और उसके बाद में ककरोला में एक हमने स्पोर्ट्स का स्टेडियम बनाया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारी लोकसभा में कहीं पर भी अच्छे स्टेडियम नहीं थे, तो ये बिल्कुल नए स्टेडियम हमने बनवाए ककरोला में। और इसके साथ ही द्वारका सेक्टर 17 में DDA की तरफ से वहाँ के लोगों की बहुत डिमांड थी, क्योंकि वहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे एक स्टेडियम DDA का ऑलरेडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पे चलता है। एक और हमने वहाँ पे पास करवाया सेक्टर 17 में, वो अभी बन रहा है, एक साल के अंदर अंदर उसका काम ख़त्म हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। 2014 में एक हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो भंग हो गई थी, 2015 में दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इसलिए जो हमारा तालमेल बहुत अच्छा नहीं होने के कारण बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने हमारे गांव में नहीं आने दिया। हमारे नजफ़गढ़ में हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, वहाँ पर एक भारत सरकार का रूरल हेल्थ सेंटर चलता है, तो वहाँ पर लोगों की इच्छा थी कि वहाँ पे एक अस्पताल बने, तो वहाँ पे हमने भारत सरकार से 100 करोड़ रुपए पास करवाया और 100 बेड का हॉस्पिटल आज वहाँ पे दिन रात उसका काम चल रहा है और फरवरी 2020 तक वो हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा। ढासा में ढासा स्टैंड तक, नजफ़गढ़ तक मेट्रो का काम चल रहा था, वहाँ पे नजफ़गढ़ के लोगों ने कहा कि हमको एक स्टेशन इसको और बढ़वाना है, जो कि फेज़ 4 में काम होना था, हमने फेज़ 3 में ही उसको पास करवा के, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ी, 550 करोड़ रुपए का बजट था, वो हमने पास करवाया और आज उसका भी काम बहुत वहाँ पे तेज़ी से चल रहा है और 2021 तक वो काम भी हमारा मेट्रो का पूरा हो जाएगा। और जो नजफ़गढ़ तक मेट्रो जानी थी, वो भी हमने मेट्रो से बात करके उसको भी थोड़ा सा जल्दी करवा के, और इसी साल में 2019 में जून तक हमारी नजफ़गढ़ की मेट्रो शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे क्षेत्रों की डिमांड थी कि हमारे यहाँ पे भी PNG की लाइन डलनी चाहिए। हमने करीब 150 कॉलोनियों में सर्वे कराया और जहाँ से भी हमें, गांव से, कॉलोनी से, जिस भी क्षेत्र से हमें डिमांड आई, हमने वहाँ पे सब में सर्वे करा के, और आज 100 से ज़्यादा कॉलोनियों में लाइन डल चुकी है और अभी 50 कॉलोनियों में लाइन डलने का काम चल रहा है, लोगों को कनेक्शन भी मिल गए हैं। ये सबसे पहले दिल्ली में हमने ओपन जिम का कंसेप्ट स्टार्ट किया और MCD से हमने इसका टेंडर करवाया और आज देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी लोकसभा में जिम लगे हैं, ओपन जिम लगे हैं पार्कों में, तो वो हमारी पश्चिमी लोकसभा में लगे हैं। अभी तक हम 600 से ज़्यादा ओपन जिम हमारे पार्कों में लगवा चुके हैं, जिसमें मैंने अपने जो सांसद निधि से सबसे ज़्यादा पैसा ओपन जिम के लिए दिया है। हमारे क्षेत्र में पूर्वांचल की संख्या बहुत है, तो हमने 40 नए छठ घाट वहाँ पर बनवाए ताकि वो आराम से अपनी वहाँ पर जो अपना छठ पूजा होती है वो अपनी पूजा वहाँ पर कर सके। पहले बहुत सारे पार्क, बहुत सारे स्थान ऐसे नहीं थे जहाँ पर छठ पूजा के लिए उनकी कोई व्यवस्था होती थी। फिर हमने नई नई जगह पर, हमने जितनी भी डम्प साइट्स पड़ी हुई थी, चाहे वो DDA की थी, चाहे वो MCD की थी, हमने सारी, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें जैसे द्वारका में हैं, जैसे सागरपुर में है, जैसे बिंदापुर में है, ऐसी बहुत सारी लैंड थी जिनमें लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, स्थानीय लोगों ने, तो हमने वो सारे इंक्रोचमेंट को हटवा कर हमने उनके डिपार्टमेंट से वहाँ पर बाउंड्री करवाई और हमने वहाँ पर जहाँ पर पार्क बन सकते थे वहाँ पर पार्क बनाए। उत्तम नगर टर्मिनल में हमने एक नई सड़क बनवाई जहाँ से लोगों को
विकास नगर और उत्तम नगर के एरिया को विकासपुरी से आके जाना पड़ता था। आज हमने उत्तम नगर टर्मिनल पे एक नई सड़क हमारी बन गई है और अगले 15 दिन में वो चालू हो जाएगी। तो आज वहाँ से कम 50,000 व्हीकल उस सड़क को यूज़ करेंगे और उनका आधे से पौने घंटे का समय बचेगा। ऐसे ही हमारे द्वारका में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से हमारे भारत सरकार ने उसको पास किया, दिन रात उसका काम चल रहा है। 2019 दिसंबर तक हमारा ये कन्वेंशन सेंटर कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे भी हमारे क्षेत्र में एक खूबसूरती आएगी। जितने भी हमारे कॉर्नर्स थे, जो हमारे रोड के कॉर्नर्स होते हैं, स्लिप रोड्स होती है और सेंटर वर्ष की जगह होती है और फ्लाईओवर के नीचे की जगह होती है, ये सब को हमने अपना ब्यूटिफिकेशन कराने का काम किया। वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाई, वहाँ पे जो लोगों ने झुग्गी बनाई हुई थी उनको हटाया और वहाँ पर एक अच्छे पेड़ पौधे लगाए, वहाँ पे बेंचेस लगाए, वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स लगवाए ताकि उस जगह को बहुत अपना सुंदर बनाया जा सके। और जितने लोग वहाँ से रोज़ गुजरते हैं कम्यूटर्स, वो उसको देख के एक उनको अच्छा सा फील हो। तो ये हमने बहुत सारे स्थानों पर, चाहे वो रजौरी गार्डन हो, द्वारका हो और आपका जनकपुरी का एरिया हो, ये बहुत सारे स्थानों को हमने ऐसे डेवलप किया है। कॉलोनियों में, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में बहुत सारी सड़कें, वहाँ पर ना तो एमपी फंड लगता है ना वहाँ पर एमसीडी का फंड लगता है, तो हमने बहुत सारी कॉलोनियों में जो हमारे एमसीडी के स्कूल चलते थे, उस स्कूल का हमने के जो भी वहाँ पे मेन रोड थी उसको हमने बनाने का काम किया। लगभग 50 करोड़ रुपए ऐसे हमने अनऑथराइज कॉलोनी की सड़कों के ऊपर लगाने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हमारे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हमने हमारे यहाँ पर 20 से ज़्यादा कौशल विकास केंद्र के सेंटर चल रहे हैं और जिनमें अभी तक लगभग 25,000 से ज़्यादा बच्चे उनमें ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो ये उज्ज्वला योजना में हम अभी तक अपने जो हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको 20,000 से ज़्यादा उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हमने उनके कैंप लगवाए और एक एक विधानसभा में कैंप लगवाए, एक एक वहाँ पे पंजीकरण हुआ और 20,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दे चुके हैं। ऐसे जितने हमारे क्षेत्र में दिव्यांग लोग थे, हमने हर विधानसभा में उनके कैंप लगवाए और लगभग हमने 3,000 लोगों को, दिव्यांग लोगों को हमने वहाँ पे लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत का भारत सरकार के द्वारा में कैंप लगाया और हमने उनको वहाँ पे उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको सामान दिया, व्हील चेयर दी, उनको छड़ी दी, उनको चश्मा दिया, उनको दांत दिया, उनको कोई उनका अंग खराब था वो हमने बना के दिया। तो ऐसे 3,000 लोगों को हमने, कोई भी व्यक्ति इसमें दिव्यांग ना छूट जाए, और उसमें सांसद निधि से भी पैसा ट्राईसाइकिल में जाता है वो भी हमने दिया, लगभग 250 हमने ट्राईसाइकिल उसमें दी। तो हर क्षेत्र का हम जहाँ जहाँ से भी पैसा ले सकते थे, चाहे दिल्ली सरकार से हमें बहुत जो हमें मदद मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली, बाकी एमसीडी के द्वारा, डीडीए के द्वारा, भारत सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ पे पुलिस के बारे में जहाँ जहाँ शिकायत होती थी, तो हमने हर महीने हमारे क्षेत्र के जो RW के लोग थे, जो और वहाँ पे सोशल वर्कर थे, उनके साथ में डिस्ट्रिक्ट कमेटी एक होती है, उसका हम जो लोकल MP होता है वो चेयरमैन होता है, तो हमने सारे लोकल RWA और सोशल वर्कर्स के साथ मिलके हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमेटी की मीटिंग करी, हर महीने मीटिंग करी और वहाँ पे जितनी समस्या होती थी सारे पुलिस के DCP, ACP, SHO सभी उस मीटिंग में होते थे, तो लोग अपनी समस्याएं बताते थे, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताते थे और हर महीने उनका रिव्यू होता था। तो हमारे यहाँ पे 3 नए पुलिस स्टेशन हमने बनवाए, हमारे यहाँ पे बहुत सारी नई चौकियाँ बनी, बहुत सारे हमारे यहाँ पे बीट ऑफिसेज बने और बहुत सारा हमारे यहाँ पे स्टाफ बढ़ा, पेट्रोलिंग बढ़ी।
तो लोगों को इससे भी हमारा पुलिस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सुविधा हुई। तो ये बहुत सारे अनेकों काम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, तो सारी मेरा आप अगर अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे परवेश साहिब ऐप, तो इसके अंदर आपको सारी जानकारी, हमारे जितने भी काम हैं उनकी सारी जानकारी, और एक हमने ये हमने 5 साल में जो हमारे मेन हमने काम किए हैं वो हमने बनवाया है, ये भी पूरा फोल्डर, इसकी पूरी जानकारी मेरे ऐप के ऊपर में है।